लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने से मुतालिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा और राव उमर हाशिम की दरखास्तों को मंजूर कर लिया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल जजेस तैनात करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क दिए कि समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हलके देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सलमान अकरम राजा ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया था कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है मगर सिर्फ यहाँ दो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 6 जजेस के नाम भी भिजवाए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने से मुतालिक दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा और राव उमर हाशिम की दरखास्तों को मंजूर कर लिया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रिब्यूनल जजेस तैनात करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क दिए कि समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हलके देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। सलमान अकरम राजा ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया था कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है मगर सिर्फ यहाँ दो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने 6 जजेस के नाम भी भिजवाए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स तश्कील नहीं दिए।